अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन वेलकम बैक सो आज हम बात करते हैं कैप्टिवेटिंग इफेक्टिव इंट्रोडक्शन के बारे में हम कुछ भी लिख रहे हैं आया कि वो कोई आर्टिकल है कोई स्टोरी है कोई रिसर्च पेपर है कोई ऐसे है कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहां से हमने स्टार्ट लेना होता है उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन तो हर राइटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है राइट सो so, इंट्रोडक्शन लिखना हमें आना चाहिए कि ऐसा इंट्रोडक्शन जो हमारे रीडर्स की अटेंशन ग्रैब करे और रीडर्स उसे पढ़ें और उसके साथ साथ हमारा जो मैसेज है वो भी कन्वे हो जाए क्योंकि एक राइटर का मकसद क्या होता है एक तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स को इंगेज करना और दूसरे अपने मैसेज को डिलीवर करना सो so, चलें स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो चीज होनी चाहिए वो है हुक ठीक है हुक होनी चाहिए हुक को हम अटेंशन ग्रैबर भी कहते हैं आई कैचर भी कहते हैं ये कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो रीडर के अटेंशन को ग्रैब करे इसमें आप चार चीजों में से कोई एक लिख सकते हो आ, कोई भी प्रोवोकिंग क्वेश्चन हो सकता है कोई भी स्टैटिस्टिक हो सकती है कोई भी एनेक्टोट हो सकता है या कोई कोटेशन हो सकती है आपने इसमें से कोई एक चीज सबसे स्टार्ट में एक से तीन लाइन्स की लिखनी है जो रीडर के अटेंशन को ग्रैब करे हुक के फौरन बाद आपने लिखनी है थीसिस स्टेटमेंट थीसे

थीम देने के बाद आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द थीसिस करना है और इंट्रोडक्शन ऑफ थीसिस में दो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ थीसिस एंड रोल ऑफ थीसिस बस ये चीज़ें आपने अपने इंट्रोडक्शन में लाजमी इंक्लूड करनी है लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंथ और टोन क्या होना चाहिए आपके थीसिस का तो हमारे जो लेंथ है ये डिपेंड करती है वेरी करती है ठीक है ज़्यादातर कहते हैं कि कंसाइज बहुत शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो लेकिन अगर आप कोई बड़ा डॉक्यूमेंट लिख, लिख रहे हो फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे लिख रहे हो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वर्ड्स का तो उसमें आपके जो uh, ये है इंट्रोडक्शन वो टू फिफ्टी वर्ड्स का होना चाहिए यानी इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है कि आपकी uh, पूरी राइटिंग का वन आवर टेंथ पार्ट जो है वो आपका इंट्रोडक्शन होगा तो ये वो आपने देख लेना है कि आपकी राइटिंग कितनी है लाइक uh, like आपका वो पीस ऑफ राइटिंग कितने वर्ड्स का है ये वो सारी चीजें ठीक है

टपेसिट्री ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसप्शन हैव यू एवर वॉन्डेड हाउ दिस इंट्रीकेट वेब ऑपरेट इन्फ्लुसिंग एवरीथिंग फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसिस टू ग्लोबल ट्रेड देखें ये आपको हुक्म मैंने यहाँ पर दिया ठीक है इससे आपके माइंड में थोड़ा सा एक आइडिया लाजमी बनना चाहिए कि ये किस चीज़ के बारे में हो सकता है यहाँ पर ये यह ग्लोबल ट्रेड भी हो सकता है यहाँ पर ये यह फाइनेंस के रिलेटेड भी हो सकता है या ऐसे ही कोई चीज़ ये हो सकती है ठीक है ये इसलिए मैं बता रही हूं कि हुक हमेशा आपका ट्वेलिवेंट ही होना चाहिए फाइन उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसमें हमें पूरा पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं तो एट एट इट्स कोर द इकोमी इज अ डायनामिक सिस्टम यानी हमारा जो थीसिस है ये हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो बात करेगा इकोनॉमी की ठीक है डेट ऑर्केस्ट्रेट्स द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन अ सोसाइटी इट इस द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द डिसीजंस वी मेक एज इंडिविजुअल द स्ट्रेटेजिक कारपोरेशन इंप्लॉय एंड द पोलिस गवर्नमेंट्स इन एक्ट ठीक है ये थीसिस स्टेटमेंट हो गई उसके बाद हमारा थीम ऑफ द थीसिस में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है आपने डिफाइन कर देना है थीसिस को तो इन इट्स एसेंस एंड इकोनमी इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दैट मैनेजेस द रिसोर्स ऑफ अ सोसाइटी इट इन एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस डिस्ट्रीब्यूटिंग दम टू दो इन नीड एंड डिटरमाइनिंग हाउ दे आर कंज्यूम्ड दिज एक्टिविटीज आर गाइडेड बाई मार्केट फोर्सेज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सोसाइटल डिमांड्स कलेक्टिवली डिफाइनिंग द इकोनमिक लैंडस्केप ये उसकी डेफिनेशन हो गई अब इसमें जो तीसरी चीज़ हमने इंक्लूड करनी थी वो इंट्रोडक्शन ऑफ द थीसिस था जिसमें दो चीज़ें आनी थी एक उसका रोल दूसरी उसकी इंपॉर्टेंस तो इसमें हम पहले बात कर रहे हैं ये देखें रोल की The economy plays a pivotal role in resource allocation, production, consumption, employment, and income generation. It determines prices, fosters wealth creation, fuels international trade, and influences government revenue and expenditure. A strong economy improves the standard of living, drives innovation, and contributes to so uh, social stability, impacting various aspects of society beyond financial transactions. Fine, yeah, have told you role. Or last यहां पे इकॉनमी uh, की जो है हमारी इंपॉर्टेंस वो भी बता देनी है आ रोबस्ट इकॉनमी इज वाइटल फॉर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन जॉब क्रिएशन इनोवेशन एंड एन इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट इन्फ्लुंसिस द इंटरनेशनल ट्रेड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सोसाइटल स्टेबिलिटी प्लेइंग अ वाइटल रोल इन ओवरऑल प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ये उसकी इंपॉर्टेंस हो गई अब मैंने आपको बता दिया किस तरह से लिखने और एक एग्जाम्पल भी आपको दे दी है कि ये ये चीज़ें आपने इस इस तरह से ऐड करनी है फाइन इनको अच्छे से और नेक्स्ट अपनी जो राइटिंग्स हैं उनमें इन चीजों को इंप्लीमेंट करें एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट थैंक यू